मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। अब कर्मचारियों को कोरोना काल में रोका गया 18 महीने का डीए नहीं मिलेगा। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में दी। सरकार ने साफ कर दिया कि कर्मचारियों को 3 किस्तों का रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि 18 महीने का ये बकाया डीए कोरोना महामारी के वक्त का है। उस समय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत को रोक दिया था।